हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। आपको हम देखते हैं कि बहुत ही हर बर्थडे के दिन बहुत ही एनर्जेटिक मूड में रहते हैं आप, तो आप बताइए कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस शेयर करना। बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरा जो बर्थडे का जो आगाज होता है, जो बिगिनिंग होती है, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ और आई बिलीव इन एवरी गॉड। हमारे यहाँ भारतीय संस्कार में जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है इस कंट्री की, कि हर तरह के रंग हैं, हर तरह के देवी देवता की पूरी आस्था के साथ, पूरी इज्जत के साथ पूजा की जाती है। वो तो उससे ही शुरुआत, जब 18 जुलाई वाला दिन, तो उससे ही शुरुआत करेंगे। एंड देन उसके बाद में मैं फंकी बॉय बन जाऊँगा, यस, एंड डांसिंग होगा। और इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बोला है कि कोई बेवड़ा नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक पार्टी। तो पार्टी ड्रिंक इज अलाउड, बट कोई ऐसा नहीं कि जो पड़ा है और सुबह खबरें उल्टी पुलटी हुई पड़ी हैं, नहीं। बट आई वॉन्ट डांस, म्यूजिक, स्पिरिचुअल कनेक्शन विच विल बिगिन द माई बर्थडे, and that's it, and will hide my age from my friends and all. I don't wish to spend enough money to go in any 5-star hotel because I'm not a money oriented person, I'm musical oriented. So I will prefer ki musical atmosphere bane, baja, tabla, guitar, drums. And I have my band, जिनके साथ मैं concerts करता हूँ, all of them they are invited, जो पूरा band है, and एक western band भी है, and we will go to Lonawala. We have beautiful places in Maharashtra, in our Maharashtra, and we'll go to Lonawala. और Lonawala में हम लोग around 2 hours personal concert करने वाले हैं, like we are around 25 people. 25 friends, not people, लोग हैं, तो 20-25-30 दोस्त हैं, उनमें से 10-12 musicians ही हैं, and हम लोग खुद ही बजाएंगे, मैं भी गाऊंगा, there are another 2-3 singers also, तो इसलिए मैंने इसको self concert का नाम दिया, but live, इसमें Justin Bieber वाला कोई काम नहीं होगा, मुंह कोई नहीं लाएगा, lip sync यहाँ कोई नहीं, ना कोई chance ही नहीं, पहले भी नहीं था, तो अभी तो हो गए। 2017 की बात करूं अगर पाजी, मैंने देखा तो ये साल काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए, हर जितने भी आपने गाने दिए, चाहे वो मौन का गाना मैं देखूं या सचिन का देखूं, ये जो अभी के टॉयलेट एक में आ रहा है, तो कैसा रहा ये 2017 आपके लिए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। एक्चुअली यू नो बट बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑलवेज क्रिएट एनर्जी। जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं, उतना हमारी ऊर्जा बढ़ती है। दिस आई हैव लर्न फ्रॉम योगा सिंस लास्ट 5-7 ईयर्स, एंड उसके पहले भी मेरी स्पीड जो थी वो अग्रेसिव रही ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू काउंट कि हाउ मेनी सॉन्ग आई हैव सन, आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग वेरी नाइसली, आई वॉन्ट टू जस्टिफाई एवरी सॉन्ग। सचिन का गाना मैंने गॉट अपॉर्चुनिटी, आई रिमेंबर सचिन बैक स्टेज पे, जब मैं परफॉर्मेंस के बाद नीचे उतरा, तो सचिन, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, सिंपली ये बोला कि क्या खाते हो, क्या करते हो, what do you do? I said I work with belief. I work with belief. Sometimes we work with confidence, which is really very good. But I choose always belief. Yakin kabhi lose nahi hota, confidence ke andar. So he was very impressed. Then उन्होंने मेरे को call करके thanks बोला, and I was really very happy that I have sung that song for a real, genuine legend, Sachin. And must say thanks to Mr. A.R. Rahman also, who has given me opportunity. एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा का मेरे को कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जब डायरेक्टर उन्होंने नरेट किया, एंड न्यू कंपोजर, बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ न्यू कंपोजर आल्सो, एंड वर्किंग विद अ न्यू पीपल, इट्स रियली वेरी एक्साइटेड, बिकॉज दे मस्ट, मे दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस बट दे हैव अ पैशन, हाँ, बड़ी ताजगी सी। सो विक्की प्रसाद इज अ न्यू गाय फ्रॉम बिहार, एंड ही क्रिएटेड सो मेनी गुड कंपोजिशन, एंड आई हैव सन and mom ka gana when Shri Devi ji was there in the recording, and wo exchange of appreciation jo hota hai na, wo bahut acha lagta hai, exchange of money nahi, exchange of appreciation. Then Shri Devi ji ne us waqt hi kaha recording ke dauran Rehman bhi tha ki I knew that Sukhi will come and the magic will happen. I said it's not my magic, it's the magic of music. So mom, I have seen, that's a very good movie, it's
a very excellent movie. I'm waiting for Toiletic Prem Katha, which is actually Swachh Bharat Abhiyan se bhi judi hai. Aur Sach ko bade interesting tarike se kaha gaya hai Toiletic Prem Katha. Really very good. इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ी हैपनिंग हुई है आपके लाइफ में, इजराइल में हमने देखा जो आपकी परफॉर्मेंस थी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, पीएम मोदी भी वहां पे थे, आपका परफॉर्मेंस था, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि पीएम मोदी जी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस. बेसिकली फर्स्ट परफॉर्मेंस आई डिड मोदी जी का जब विजिट था टोरंटो में, तो लकीली वो पूरा 45 मिनट का परफॉर्मेंस उन्होंने सामने से सुना, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज देयर ऑल्सो. So he observed each and everything. It is just not singing. सिर्फ गाना नहीं होता. मैं समझता हूँ कि जब हम विदेशों में या कहीं भी जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी आपकी परफॉर्मेंस आपके नाम से नहीं जानी जाती, आपके मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स से भी जानी जाती है. उसी से आपके नेशन को भी रिलेट किया जाता है. स्पेशली वेन वी परफॉर्म इन अब्रॉड, तो इस बात का मैं ध्यान भी रखता हूँ. कुछ नेचुरल भी मेरे में है कि मैं नेशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, हार्ड कोर नेशन ओरिएंटेड, हार्ड कोर ह्यूमन ओरिएंटेड पर्सन हूँ. तो वहाँ पर मुझे ये पता होता है कि दिस इज नॉट अ सुखविंदर सिंह कॉन्सर्ट, दिस इज बेसिकली अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम इंडिया, भारत. तो पीपल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे विल लाइक दे विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इवन माई सिंगिंग. तो वो वहाँ पर उन्होंने भी, तो वहाँ पी एम हाउस से इस बार भी मेरे को अप्रोच किया गया कि इसराइल में आपको जाना है. एंड मेरी बेस्ट जो चॉइस थी वो था कि जो मैंने पूर्व और पश्चिम का गाना जो रिपीट किया कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, और उस वक्त मैंने वहाँ पीछे स्क्रीन पे भी लिखवाया था कि वी आर फ्रेंड, वी हैव कम फॉर फ्रेंडशिप, वही इसका रीज़न था. एंड दे लाइक इट. और जब उसके बाद में मैं जब चेंज करने के लिए जा रहा था, तो मेरे को एक प्रोमिनेंट कोई लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कहा साहब बुला रहे हैं. तो बड़ा क्यूटली उन्होंने कहा कि फिर सूट पहन लिया. मैं शेरवानी परफॉर्म किया था तो चेंज कर चुका था, तो मैं थोड़ा झेल लिया. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं स्टेज से सीधा आपके पास आऊँगा. अच्छा गाते हैं, तो गले पे हाथ रखते हैं, थोड़ा सब ध्यान रखते हैं, तो अप्रिशिएशन अच्छा लगा. आई डिड दिस मोदी जी, आई फाउंड एज अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री ही इज doing very nice. जी जी. और वो reason professional तो कहीं से भी नहीं approach था. It was really very personal. It was for my nation. And I did for a right person. अभी मोदी जी की मैं बात करना चाहूँगा, कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पूरे तीन साल उन्होंने कंप्लीट किया और जिस तरह से वो बैक टू बैक काम कर रहे, आर्ट को भी वो बहुत ही पसंद करते हैं, तो उनके इस कार्यकाल को क्या कहना चाहेंगे आप, और इस तरह जिस तरह से वो आर्ट को पसंद करते हैं, लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, जिस तरह से हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान की वो बात की, सारे हिंदुस्तान और योगा की उन्होंने जिस तरह से बात की, पूरे वर्ल्ड वाइड ये हो गया, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? स्पोर्ट्स के लिए भी करते हैं. अभी जो वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है, I have made the theme song and I'm presenting that theme song on the 19th, next day of my birthday. And there I will be meeting Prime Minister and other prominent personality. और जब खेलों की बात आती है, because I was 100 meter runner, और मैं campus भी, India campus भी join कर चुका हूँ, और मुझे I have great regard for sports. I know कि what does it mean of sports. तो उन्होंने ये इतना बड़ा एफर्ट किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ फुटबॉल अंडर 19 इंडिया में होना बहुत बड़ी बात है. तो उसके पहले मैंने अंडर 17 का था फुटबॉल चैम्पियनशिप का, वो भी परफॉर्म किया. तो स्पोर्ट्स को भी वो प्रेफर करते हैं, कला को भी और देश को भी. एंड उसके लिए मेरी सेवाएं अगर संगीत के जरिए होती हैं, तो आई वुड लव. अच्छा कर, मतलब हम ऐसा माने कि और एक बर्थडे आप सेलिब्रेट करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन और पीएम मोदी जी के साथ. कितने सारे, एक के कितने सारे जी, जी. और उसके साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं, उसके साथ में जो अच्छे कॉज जुड़े हैं उनको भी साथ में ट्रैवल करेंगे उसके साथ में. जी पाजी, दो सवाल
बिकॉज ग्रे पहन के ना थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, जितना आप कलर पहनते हो आपके थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, एनहांस करते हैं क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम। दो आखिरी दो सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पहला ये कि हम देखते हैं कि आप जो हिंदुस्तानी सिंगर होते हैं और बाहर जाते हैं और इंडिया में भी आते हैं, मतलब अपनी रियल परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आपने जस्टिन बीबर की बात की और जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे लिपसिंग करके जाते हैं, आप कितना मानते हैं कितना सही होता है ये जब लोग यहाँ पर किसी से उम्मीदें रखते हैं और वो लिपसिंग करके जाते हैं? नहीं, कोई एक करता है तो पूरा म्यूजिक समाज कैसे गलत हो सकता है? इट इज नॉट इफ समवन आई डिडंट लाइक व्हाट ही डिड because I was expecting something, because even I have heard many songs of Justin Bieber. It's good. It's not a bad. It's not a bad. He's not a fake singer. But why he did? It is a mysterious. कभी नहीं. And मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले मेरे को एक बार किसी person ने मेरे दोस्त ने पूछा कि यार ये Justin Bieber कितनों दा रहने वाला है. So हमारी जो personality होती है वो हमसे नहीं हमारे nation को भी relate कर देती है. तो जब उसको पता चला कि वो कैनेडियन, कहता है कैनेडा दे लोग इधर होंगे, यू नो, ही डिडंट सेट कि वाओ. सो आई एम नॉट अगेंस्ट हिज. आई रिमेंबर वन डे बिफोर ऑफ कॉन्सर्ट वन मीडिया पर्सन, वेरी बिग पर्सन, कॉल मी कि मैं सुखी तुम्हारी एक बाइट चाहिए अबाउट जस्टिन बीबर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम. आई सेड ही इज गुड. ये आजकल मैं कौवा स्पेशलिस्ट हुआ पड़ा हूँ, यू नो. हाँ, वो मॉम मॉम का गाना ना क्रो के ऊपर गाना है, उसके पहले मॉनसून वेडिंग का गाना था कावा कावा. तो आज मैं जब ऊपर योगा कर रहा था तो एक कौवा के करा करा, मैंने कहा यार तुमने मेरे को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया? तो बट ही वाज फीलिंग हैप्पी, वो हैप्पी बर्थडे बोल रहा था कि तुमने दो गाने मेरे लिए गाए, एक तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था अपने पूरे समाज को. थैंक यू सो मच, भारत को मेरा नमस्ते, आदाब ते सत श्री अकाल.